हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, फुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, मेरा ऑर्डर आ चुका है, जो कि मैंने ग्लव्स ऑर्डर किए थे स्टील वर्क से। सो इसको चेक करते हैं, साइज वगैरह परफेक्ट है कि नहीं। सो खोलते हैं इसको, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी पहले। तो आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर बिना किसी देरी के साथ। तो ब्रांडिंग चेक करो स्टील बट की। गाइस ग्लव्स तो बहुत ही बढ़िया है। और गाइस एक चीज है जो कि मैंने देख के ऑर्डर किया था, इसमें मैं फोन यूज कर सकता हूँ। ये दो साइड है थंब में और इसमें टच करने के लिए फोन का। तो इस पर ग्रिप वगैरह चेक करता हूँ बाइक पे, सही ग्रिप वगैरह है कि नहीं। सो गाइस, इससे मैंने सारी एक्सपेरिमेंट कर लिए, बाइक वगैरह पे ग्रिप भी चेक कर लिए, और शाम में राइड पे निकलेंगे तो पूरा यूज हो जाएगा अच्छे से। बाकी इसका जो फ़ोन का टच सेंसर है ना, मतलब जो जो दे रखे हैं ये फ़ोन यूज़ करने के लिए, ये इतने ज़्यादा मुझे यूज़फुल नहीं लगा। मतलब आप नॉर्मली कॉल वगैरह पिक कर सकते हो, लेकिन ये कहोगे कि आप पूरा फ़ोन आराम से रन कर रहे हो, मैसेज वगैरह कर रहे हो, उसके लिए नहीं है। नॉर्मली फ़ोन के स्क्रीन पे वर्क करेगा, अगर टाइटली आप हल्का स्वाइप करते हो कॉल वगैरह पिक कर सकते हो। बाकी ठीक ही ठाक ग्लव्स है। और इसका जो ये है, ये काफ़ी हार्ड मटेरियल है, मतलब ये कैसे बताऊँ, ये जो निकले हुए हैं ये सॉलिड पार्ट है, ये मेरे हाथ का वो नहीं है शेप, ये इसमें ऐसी बन रखा है। तो काफ़ी अच्छा ग्लव्स है, ग्रिप वगैरह ग्रिप के लिए देख सकते हो, इसमें थोड़े थोड़े डॉट्स हैं, बाइक तो बहुत ही अच्छी ग्रिप बना रहे हैं। बाकी यूज़फुल है, इसे लेना वर्थ इट। सो गाइस, निकल चुका हूँ मैं अपनी बसंती को लेके, और ये ग्लव्स आज मैं ट्राई भी कर लूँगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी राइड को। अभी मैं हूँ सेक्टर 55 और हम घूम के आते हैं सेक्टर 18 के पास से। सो गाइस, ग्लव्स तो काफ़ी कंफर्टेबल है, ग्रिप बहुत ही बढ़िया है ग्लव्स की। सो गाइस, इसको पहनने के बाद मुझे पूरा राइडर वाला फील आ रहा है। इसके यहाँ पे जो डॉट डॉट्स हैं, इसके चक्कर में ग्रिप काफ़ी अच्छी बन रही है। आजकल ये बैटरी वाले स्कूटर वगैरह कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने अपने मार्केट में जगह बनानी स्टार्ट कर दिया। मुझे तो यार बैटरी वाली बहुत बेकार लगती है। हाँ, बैटरी वाली तब लेना फ़ायदेमंद होगा जब इसके क्या कहते हैं उसको, चार्जिंग सेंटर जगह जगह अवेलेबल हो जाएंगे। अभी खाली आप दिल्ली में अप एंड डाउन कर सकते हो इसको लेकर। सो इसलिए मैंने रोका था क्योंकि मैं चेक कर रहा था, मैं वॉलेट लाना भूल गया हूँ, क्योंकि अक्सर मैं भूल जाता हूँ। इसमें मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े रहते हैं, लाइसेंस वगैरह सब। सो गाइस, मैंने ग्लव्स निकाल लिया, अभी कॉल आ गई थी एक। तो यार ग्लव्स में पता है कंफर्टेबली, मैंने बताया ना कि नॉर्मली आप कॉल वॉल पिक कर सकते हो लेकिन फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। मुझे मैसेज करना था, इस चक्कर में मैसेज हो नहीं पा रहा था सही से, इसलिए मैंने निकाल दिया ग्लव्स।
और लॉन्ग राइड वगैरह के लिए मस्त है ग्लव्स। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि शाम हो चुकी है, शाम तो हो गई है ठीक है, लेकिन साले ग्लव्स तो पहन ले जो चीज़ के लिए दिख रहा है। सो गाइस, ग्लव्स पहन लेता हूँ मैं क्योंकि शाम का टाइम है और ठंड है। शाम का टाइम तो है ही ठंड यार, दोपहर के टाइम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि शाम में भी नहीं होगी, शाम में है ठंड। नहीं भी है तो अभी नए ग्लव्स है, कुछ दिन तो पहनूंगा ही। और गाइस, ये राइडिंग पर्पस के लिए होते हैं ग्लव्स, खाली ठंडी या गर्मी के लिए नहीं होते, तो आप लोग इस बात का पूरा ध्यान दीजिए जो बंदे राइडिंग कर रहे हैं। यार मैं भी छोटा राइडर होकर बड़ी बात कर रहा हूँ बड़े राइडर छोटी बात नहीं, छोटे राइडर बड़ी बात, जो राइडर होते हैं उनको तो पता ही होगा यार, कहाँ सस्ते राइडर। कोई नहीं गाइस, सस्ते राइडर हुए तो क्या हुआ, दिल तो हमारा भी धड़कता है। सराती सराती रफ्तारें हैं, आगे बस मंजिल है, पीछे हवाएं हैं। वो विक्की की भी कॉल आई थी मेरे पास, विक्की हमारे घर पे वेट कर रहा है, देखना गाइस इसने हॉर्न कौन सा लगा रखे है। ये होते हैं छपरी राइडर की निशानी। लाल बत्ती आ गई गाइस, हेलमेट गिर गया गाइस बेचारा। ठंड हो गई है कम, अब हम कभी भी आगरा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। पहला लॉन्ग ट्रिप हम आगरा का ही मारेंगे, क्या बोलती है पब्लिक।
आज बंदे इतनी ज़्यादा हाई बीम करवा के रखते हैं ना अपनी गाड़ी या फिर बाइक वगैरह के। तो मेरा वाइजर ब्लैक वाला वाइजर है, उसमें से भी रिफ्लेक्ट आँखों में पड़ता है रिफ्लेक्शन ज़्यादा। सोच लो इतनी तगड़ी हाई बीम करवा के रखता है। सिटी में इतनी क्या जरूरत है हाई बीम की, फिर समझ में नहीं आता। अगर ना जंगल वंगल जा रहा ऑफ रोडिंग कर के तो समझ में आता है। गाइस पीछे मुठभेड़ हुई थी, मेरे पास इतना फालतू टाइम तो है नहीं जब मैं रुक के देखूं। लेकिन गाइस कंटेंट के लिए यही करना चाहिए था। सोचो एक वीडियो निकलती ही नहीं है, बंदे यही चीज़ तो दिखाते हैं राइडिंग। अरे बच्चे ऐसे बेचैन रहते हैं ना गाड़ी के नीचे आने के लिए, उसमें तो हो जाता है दिमाग खराब। तो भाई विक्की देखते हैं आया है कि नहीं। विक्की घर पे ही है गाइस, विक्की हमारा वेट कर रहा था। कितनी देर से आया तू भाई? एक घंटा हो गया कहाँ घूमने के लिए। सब इतने आया? मोटो व्लॉगिंग में मोटे हो जाते हैं। मोटे व्लॉगिंग में मोटो नहीं होते, जब मोटू हो जाते हैं। थक गया गाइस ऊपर आते आते। चश्मा क्यों दिख रही है भाई? ये कोई मजाक चल रहा है? मैं पढ़ता हुआ बच्चा हूँ ना। पढ़ता हुआ बच्चा तो ठीक है, तो चश्मे से इसका क्या लिंक है? मैथ्स का टीचर लगता है। हेलमेट लगा के बिल्कुल बाल बेकार हो जाते हैं गाइस। सो गाइस वी आर फाइनली इन बम्बैया कैफे और विक्की दे रहा है पार्टी। वो इसकी पेंडिंग पार्टी थी तो आज दे रहा है। और मैं भी आई हूं भैया। तो अभी सैंडविच ऑर्डर किया है, देखते कब तक आता है। सो गाइस विक्की जा रहा है, बोल रहा लेट हो रहा है मुझे। सो कोई नहीं, हम अकेले ही खा लेते हैं। सो गाइस हमारा सैंडविच आ चुका है, जानवर खा रहा है। क्या कर रहा है यार तू? मतलब मजाक है क्या? कितना नसीब में नहीं था भाई, आराम से खाएगा ना यार। और गाइस विक्की जा चुका है, मिस यू विक्की। तो गाइस मैंने नॉन वेज ऑर्डर किया था, ड्रैगन चिकन, देखते हैं कैसा होगा। अभी तो बस सबित का आया सैंडविच, मुझे देखने को गाइस। गाइस पूरा रेस्टोरेंट खाली हो चुका है, लेकिन मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया सर। क्या लगता है किसी ने सच्ची कहा है सबर का फल मीठा होता है। सो गाइस देख लो कितना टेस्टी लग रहा है ये, इसको देखो ये जल्दी जल्दी खा रहा है ये खाने के लिए, लेकिन इसको पता नहीं है मैं खाने नहीं दूंगा। सो गाइस फाइनली घर पहुंच चुका हूँ, अब घर पे भी थोड़ा खाते हैं क्योंकि तो निकी मम्मी गुस्सा करेगी, बाहर से खा कर जाता रोज। सो उस तरह से खाते हैं घर पे और एडिटिंग पे लगते हैं और इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। और हाँ गाइज ड्रैगन चिकन, क्या ड्रैगन चिकन थे।